Dad. Huh? Mom. Hmm? Mom. Sophia. Mom. Mom. Dad, kya ho gaya mom ko? Sophia. Mom. Sophia. Mom. मैं तो हैरान हूँ कि सोफी इस हद तक भी जा सकती है, ड्रामे शुरू कर दिए, वो भी ऐसे, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इस हद तक जा चुकी है मॉम वीना। That's very sad. लेकिन ये बताओ कि तुम्हें इस बारे में बताया किसने? डैड ने बताया मुझे कि उन्होंने एक्ट किया कि उन्होंने गोलियां खाई हैं, जबकि डॉक्टर ने बताया कि 3 से ज्यादा गोलियां नहीं खाई हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज नॉर्मल था। आई एम शॉक्ड हसन, आई डोंट थिंक सोफिया तुम्हें सुकून से रहने देगी जब तक तुम उसकी बात नहीं मानोगे। आई नो दैट यार। तुम्हें कोई हल तलाश करना चाहिए। हल बताया डैड ने मुझे एक। वो क्या? इतना बड़ा कदम उठाओगे तुम लोग? डैड की एडवाइस है। वैसे पार्टनर की तो बात ही कुछ और, क्या जीनियस आदमी है। आखिर डैड किसके हैं? वैसे पार्टनर का हौसला है जो सोफिया को बर्दाश्त कर रहे हैं। यार अच्छा, और वो जो हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं? मॉम आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप जाके आराम कर ले। तुम चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस लड़की से अपनी माँ की बुराई सुन रहे हो? कोई बुराई नहीं की है माँ आपकी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं तो बस सच कह रही थी सोफिया, तुमने तो माइंड ही कर लिया। अच्छा चले मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो वीना तुमने ईमेल चेक कर ली? ओ हाँ, आई फॉरगॉट, मैं भी चेक करती हूँ। चले भाई माँ। आराम करें आप। भाई देखो आपा, ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरी स्वीटी के साथ। क्यों भाई? मैंने तुझसे कोई वादा किया था कि स्वीटी मेरे घर की बहू बनेगी, या बचपन में मंगनी तय कर दी थी इसकी? तो चुप कर मनोज। भाई आपा देखो, घर में इतनी हसीन खूबसूरत लड़की होते हुए फिर भी तुम सलमान के लिए गैर लड़की का रिश्ता देखने जा रही हो। भाई आखिर मेरी स्वीटी में कमी क्या है? इसी से शादी कर देती अपनी बेटी की, घर की लड़की थी घर में ही रह जाती। अरे कैसे समझाऊं तब्बो मैं तुझे, मुझे सलमान के लिए स्वीटी जैसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो उसके लिए आला तालीम याफ्ता खूबसूरत अमीर लड़की चाहिए जो उसकी जोड़ की लगे। बस बस रहने दो आपा, रहने दो, देख ली तुम्हारी चॉइस। वो जो आमिर के लिए पगली दुल्हन लेकर आई हो ना, इससे पता चलता है तुम कैसी लड़की चाहती हो। इससे अच्छी तो मेरी स्वीटी है, बल्कि लाख दर्जे अच्छी है उससे। बस अब ये बहस यहीं खत्म कर दो। मैंने कहा ना स्वीटी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। जाने दो आपा, बच्ची है ना, दिल टूटा हुआ है उसका। अच्छा खैर, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हमें भी ले चलो ना साथ में, रिश्ता देख लेंगे हम भी। कोई जरूरत नहीं है, इस घर में रखा हुआ है यही काफी है। मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मजीद रोड़े अटकाने की तूने कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? और ये काली बिल्ली की तरह माँ बेटियां रास्ता काटने आ जाती हैं। तुमसे बुरा तो वैसे ही कोई नहीं है। क्या था जो मेरी स्वीटी से अपने बेटे की शादी करवा देती? क्या समझती है खुद को, खुद ही होंगी काली बिल्ली। क्या हुआ भाई?
सारी तैयारियां हो गई जाने की? हाँ जा तो रहा हूँ मैं, पर लड़की देखने नहीं जा रहा। हाँ मतलब आप अम्मी के साथ नहीं जा रही है? अरे यार आमिर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसा करना कि अम्मी को बोलना कि मैं किसी दोस्त की तरफ गया हूँ, इमरजेंसी हो गई है उसे। हाँ एक मिनट एक मिनट, आप चाहते हैं कि आप भाग जाएं और मैं अम्मी का सामना करूं ताकि उनका सारा नजला मुझ पे गिरे? हाँ, हाँ। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ ही चलूं। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना। मम्मी देखा आमिर भी जा रहे हैं इनके साथ लड़की देखने के लिए। हमें भी अपने साथ ले चलो, या फिर इस दफा भी हमेशा की तरह छोड़ के जा रहे हो? इतना दिल चाह रहा है समोसे और चना चाट खाने का, हम भी खा लेंगे ना। और वैसे भी जो रिश्ते वाले हैं ना, इससे ज्यादा कुछ खिलाते भी नहीं है। हाँ आलू के समोसे और चाट मैं आपको घर पे ही ला दूंगा, यहीं बैठ के खा लीजिएगा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। चले भाई। हाँ चले। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपा को तो साथ लेते जाओ, और दूल्हा भाई भी तैयार हुए बैठे हैं। चल जा स्वीटी, भाग के बुला कर ला। नहीं नहीं हाँ हम लोग कहीं और जा रहे हैं। हाँ हैं क्या मतलब, दो दो जगह लड़की देखने के लिए जाओगे क्या? नहीं नहीं खाला, वो मेरे दोस्त को इमरजेंसी होगी ना, उसकी तरफ जा रहे हैं। ओके चलो आमिर। लेकिन आपका तो यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है। मेरा दोस्त था ना, तो इनकी भी दोस्ती हो गई। हाँ। तो इनका भी दोस्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो वो क्या अब तक कुआरा है? अभी देर हो रही है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। चले भाई। हाँ, प्लीज चले। आए हाय आए हाय, ये दोनों तो निकल गए। अब क्या आपा दूल्हा भाई को बर दिखावे के लिए ले जाएंगी वहाँ हैं? आखिर ये दोनों गए कहाँ हैं? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या करूं, वीना को कॉल करती हूँ। वीना मुझे ही बताओ कि आगा और हसन कहाँ हैं? अरे मैं तो कब से फोन मिला रही हूँ लेकिन फोन ही रिसीव नहीं कर रहे मेरा। अब देखो ना कितनी बीमार हूँ मैं, पलट के एक कॉल तक नहीं किया इन लोगों ने। तुम बता सकती हो ये दोनों हैं कहाँ? सोफिया मैं तो अभी ऑफिस से उतर के गाड़ी में बैठी हूँ, आई हैव नो आइडिया कि वो कहाँ हैं। दोपहर को ही चले गए थे वो लोग तो ऑफिस से। अच्छा कहाँ गए वो, कोई मीटिंग है क्या? सोफिया मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। आखिर ये दोनों कहीं कहाँ हैं? हेलो हाँ पार्टनर, कहाँ हो तुम लोग? सोफिया को परेशानी शुरू हो गई है, सब खैरियत से हो गया ना? अरे वाह मुबारक हो। चलो मैं एक डिनर पर जा रही हूँ, रात को मिलते हैं फिर, बाय। हाँ तो ये हसन है। मुझे नहीं पता। बता कहाँ है आमिर, कहाँ लेकर गया है वो सलमान को? देखो तो सही जरा कैसी मासूम बनी बैठी है, सब पता है इसे। मम्मी हो सकता है इसको ना पता हो कुछ। तू चुप कर। हाँ भाई बता क्या प्लान था इन दोनों का, कहाँ गए ये? मैं कह तो रही हूँ कि मुझे नहीं पता। जवाब दे मेरी बात का, कहाँ है दोनों? अरे आपा बड़ी पक्की है, नहीं बताएगी ये? नहीं बताएगी। निकल चल निकल चल 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 निकल आपा का हुक्म है, निकल निकल चल। अरे चलो निकाले आपा का, चल चल लग रहा है कहाँ है ये बड़े बड़े नाखून लगा रहे हैं। जब तक आप ही नहीं आएगा नहीं खोलूंगी।
ठीक है, पड़ी रहे यहाँ, तुझे खाना नहीं मिलेगा। हयापा बहुत तेज है, ये तो नाखून घुसा दिए मेरे। ये छोड़ो मम्मी, बेचारी इसका कसूर क्या है, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे इसके साथ? अरे तू तो चुप कर उसकी चमची। अगर इस घर में रहना तो आपा की हाँ में हाँ मिला के रह, समझ गई? ना, पैर में भी लग गई, छिल गया मेरा। बस करो, ज्यादा नाटक कर रही हो, आ जाओ। मर जाओ, मर जाओ मनोज। वो लोग कहाँ चले गए? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी रिसीव नहीं कर रहे मेरा। काफी देर हो गई है, इस तरह तो कभी भी नहीं जाते। या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा, दोबारा ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है आ गए, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। ओ खुदाया, उफ। अरे बेगम, आप यहाँ पे? खैरियत तो है, अभी ठीक है? हद करते हैं आप ही, कहाँ गायब थे आप लोग? कब से फोन कर रहे हो, एक कॉल बैक तक नहीं किया आप लोगों ने। मुझे बीमार छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। वो हम एक जरूरी काम से गए हुए थे। मुझसे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? आप आपसे ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है, खुद ही देख लीजिए। हसन बेटा। हाँ तो ये हसन है। ये क्या है सब? ये आपकी बहू है मॉम, बीना। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ये कैसे कर सकता है? ये ठीक कह रहा है, ये हमारी बहू है, मैंने खुद इनका निकाह करवाया है। ये कैसे हो सकता है? मैं कहती हूँ उस लड़की को अभी और इसी वक्त निकालें इस घर से। हसन, इसे धक्के देके निकालो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम लोग नहीं निकालोगे, मैं निकालूंगी। नहीं, मेरे पास है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या कर रही है? सुखिया मेरे पास है, क्या हो गया? इसे निकालो, हसन तुम कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। तुम क्यों कमरे में जाओ, इसको निकालें। मैं कहती हूं निकालें इसे। हां नहीं, ये कैसे कर सकता है? अरे रिलैक्स, बैठो। क्या हो गया? ये कैसे कर सकते हैं आप लोगों ने? अच्छे रहेंगे। बीना प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इनफैक्ट डैड भी तुम्हारे साथ हैं। मगर वो आंटी। मॉम से डरने की जरूरत नहीं है, वो इसी तरह शोर करती हैं। प्लीज काम डाउन एंड रिलैक्स। कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? हमने कोई गलती नहीं की है बीना, और जो कुछ भी हुआ डैड ने करवाया ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? प्लीज रिलैक्स। मगर हसन, वो लोग लड़ रहे हैं। लोग नहीं लड़ रहे, डैड हैंडल कर लेंगे। तुम प्लीज यहाँ बैठो, मैं पानी पिलाता हूँ तुम्हें। चलो बैठो बैठो। मनी है बोल के ऑलरेडी, ये लो। पानी पियो ना। सोफिया, सोफिया प्लीज, अपने बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए, ताकि माता मनाती फिर रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हें?
किस बात का बदला लिया आपने मुझसे? बोले बोले हाँ, किस बात का बदला लिया आपने मुझसे? इस बात का बदला लिया कि मैं आपकी मिडिल क्लास मेंटेलिटी से तंग हूँ, या इस बात का कि आप मुझसे इतने तंग आ गए कि आप बीना से शादी करना चाहते हैं? बस सुफिया बस, अब एक लफ्ज ही बोला ना तो मैं तो हाथ उठाए ना मुझ पे, मारे मुझे, मारे ना, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। क्या हो गया, क्यों शोर शराबा मचाया तुमने? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मॉम डैड, क्यों चिल्ला रहे हैं आप दोनों? ये दो टके की लड़की मुझे हराएगी? तेरी इतनी जुरत तो मुझे हराएगी? निकल मेरे घर से अभी और इसी वक्त, फ्रॉड धोखेबाज, निकल मेरे घर से। मैं एक मिनट तुम्हें साथ में नहीं रहने दूंगी। मॉम छोड़े ना इसे, कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा, क्या हो गया समझे तुम लोग? निकलो यहाँ से, निकलो, छोड़ो ना यार, तो मैं निकाल के तुम लोग ही निकलो। बात सुनो, क्या हो गया तुम, पागल हो गई हो? की लड़की के खातिर मुझ पे हाथ उठाए, सॉरी, बस आखा बस, हाथ तेरे गाना मुझे, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, सुन लिया आप लोगों ने, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। या तो हसन इस लड़की को तलाक दे, या आप अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे, दे मुझे तलाक, दे तलाक मुझे, दे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, दे तलाक, दे। क्या हो गया तुम्हें सुफिया? सुफिया तो क्या क्या हो गया बेटे? जल्दी से पानी लेकर आ, तुम डॉक्टर का फोन मिलाओ। सुफिया भाई आराम से, शोर मत कीजिए। अरे मेरे ख्याल से सब सो गए। हाँ ये अच्छा बच्चू आ गए तुम लोग। अरे खाला आहिस्ता बोले, अम्मी सुन लेंगी। अम्मी अम्मी तो ऐसा सुनेंगी कि तुम लोगों को भी सुनाएंगी ठीक ठाक। इतना गुस्से में है ना आपा, मैंने कभी आपा को इतना गुस्से में नहीं देखा। और वो जो ड्रामा तुम दोनों ने किया था ना, झूठ बोल के गए थे, सब पता चल गया आपा को बच्चू। हाँ भाई अब क्या करेंगे, मेरी तो खैर है, अब आप अपना सोच लीजिए, जो होगा सो होगा, अब देखी जाएगी, क्या कर सकते हैं। अरे इतना बीपी हाई था ना आपा का, तड़पियां खा रही थी, फोन कर रही थी तुम दोनों को, और तुम दोनों ने फोन तक नहीं उठाया उनका। अब देखना बच्चू सुबह तुम लोगों का क्या हाल करती है वो। अब अब्बू ने उन्हें समझाया नहीं कि ज्यादा गुस्सा मत करें? अरे दूल्हा भाई क्या समझाते, सारा गुस्सा तेरी बीवी पर किया है, जा जाके देख क्या हाल किया उसका। क्या सारा को डांटा उन्होंने? अरे डांटा क्या, हाल किया उस बेचारी का, इतनी सुनाई है उसको, इतनी सुनाई है कि ख्वाब में भी अब उसके आप ही आएंगे उसको नजर। अरे रुक तो सही, तू कहाँ जा रहा है? एक बात तो बता, तू लड़की देखने क्यों नहीं गया? तुझे कहीं वाकई मेरी स्वीटी तो पसंद नहीं है? अल्लाह माफ करे खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बख्श दें आप। जाओ बच्चू मुझे बख्श दे, बख्शेगी तो अब तुझे आपा सही का, ऐसी सुनाएंगी ना तुम, ऐसी क्लास लेंगी और मैं डालूंगी इसमें मिर्चें, हाय तड़का लगाऊंगी और मजा आएगा। स्वीटी को सारी खबर देती हूँ चल के, है ना, चलो। सारी मुश्किलात मेरी वजह से आ रही है ना? तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो बीना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो तो तलाक की बात कर रही थी। वो तलाक तो होगी और जरूर होगी, जो फसाद तुमने हमारे घर में फैलाया है ना, उसका नतीजा तुम खुद भुगतोगी।